तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नायली को शियाओ के बारे में याद आता है कि कैसे शियाओ ने पिछली लाइफ में उसकी आइडेंटिटी छुपाई थी। अब यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के पास आने के बाद सभी को अपने अपने ग्रुप के साथ अलग अलग जाना था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि ये लोग अभी शियाओ जिनयुन और युयिन को बाय कह रहे थे। इसके बाद अब वो तीनों वहाँ से चली गई थी। अब हम देखते हैं कि वो लाल हेयर वाली लड़की वहाँ आगे आकर डोजी से कहती है कि मेरा नाम फ्लेम है और हम एक ही ग्रुप में हैं। साथ ही अब वो अपना हाथ भी आगे करती है। फिर अब डोजी भी उससे हाथ मिलाकर अपना नाम बताता है और अब फ्लेम कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारे मास्टर भी हमें बुला रहे हैं। और फिर वो डोजी को वहाँ से ले जाने लगती है। अब डोजी नायली से कहता है कि हम जल्दी ही फिर मिलेंगे, जिस पर नायली उससे कहता है कि हाँ, अब हमारी मुलाकात ड्रैगन मार्केटम पर ही होगी। अब वो वहाँ से चला गया था। इसके बाद अब लू कहता है कि अब तो बस हम तीनों ही बच गए, जिस पर नायली कहता है कि तीन नहीं हम चार हैं, क्योंकि गॉडेस भी यही है। अब तभी पीछे से आवाज आती है, चार नहीं नायली हम पांच हैं। वैसे ये आवाज डिमन लॉर्ड की थी। अब उसकी आवाज सुनते ही ये तीनों यहाँ से बहुत गुस्से में पीछे देखते हैं और नायली को तो उन तीनों में सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो डिमन लॉर्ड कहता है कि पिछले दिन कुछ मुसीबतों में बीते हैं, वैसे तुम्हें थोड़ा सा एडवांटेज क्या मिल गया, तुमने यही सोच लिया था कि तुम मुझे मार सकते हो। अब डिमन लॉर्ड ये भी कहता है कि तुम वो पहले पर्सन हो जिससे मुझे थोड़ी सी चोट पहुंची है, वरना आज तक कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा पाया। वैसे तुम तो पहले पर्सन भी हो जिसने मुझे आगे के लिए थोड़ा इंटरेस्ट दिला दिया है, लेकिन इस सब से ये मत समझना कि मैं तुम्हें पावरफुल समझने लगा हूँ, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मैं एक एक कर तुम्हारी फैमिली और फिर तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर दूंगा। अंत में कोई नहीं बचेगा, सिर्फ तुम बचोगे और उसके बाद मैं तुम्हें भी तरपा तरपा कर खत्म कर दूंगा। अब नायली को उसके बात सुनकर अपनी पिछली लाइफ की बातें याद आने लगी थी। इसमें हम देखते हैं कि नायली के सामने कोई खड़ा हुआ था जो कि उसे कह रहा था कि तुम्हारे सभी साथी मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारे पास कोई नहीं है जिसे तुम अपना कह सको। अब नायली गुस्से में उसकी तरफ देखकर उसे होली एम्पायर कह रहा था। इससे पता चलता है कि वो सामने खड़ा आदमी असल में होली एम्पायर है। अब यहाँ वापस से प्रेजेंट टाइम में नायली उस डिमन लॉर्ड कहता है कि तुम्हारे पास सुप्रीम बॉडी है और इसलिए खुद को इतना ताकतवर समझ रहे हो, लेकिन ये बात तो तुम ये जानते हो कि बिना पावरफुल सोल के ये सुप्रीम बॉडी किसी काम की नहीं, क्योंकि भले ही तुम अपनी सुप्रीम बॉडी को कितना भी पावरफुल बना लो, लेकिन विदाउट पावरफुल सोल तुम कुछ नहीं कर सकते। और पावरफुल सोल सिर्फ हाई कल्टीवेशन से ही मिलती है, और माना कि तुम हाई कल्टीवेशन कर लोगे, लेकिन फिर भी तुम पावरफुल सोल कभी नहीं कर सकते। इसके बाद अब डिमन लॉर्ड आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी बातें मैं क्यों मानूं? तुम तो एक मामूली मॉडल हो जो कभी भी सुप्रीम बॉडी की असली ताकत को नहीं पहचान सकते। इसके बाद अब वो आगे बढ़ते जा रहा था। वैसे नायली मन में सोचता है कि सुप्रीम बॉडी के सामने दाव टेक्निक ज्यादा पावरफुल साबित होती है, मगर अब नायली उस डिमन लॉर्ड से कुछ नहीं कहता और उसे जाने देता है। अब डिमन लॉर्ड अपने ग्रुप के साथ जा रहा था तो यहाँ पर दुआन जियान को भी उसके साथ ही जाना था, क्योंकि वो भी उसी के ग्रुप के में है। इसलिए अब नायली उसे सलाह देता है कि तुम कभी भी अपने सेक्ट के बाहर जाकर इससे फाइट नहीं करोगे, क्योंकि ये सेक्ट के अंदर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और इसे तुम मेरा ऑर्डर ही समझना। इस पर दुआन जियान कहता है कि मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा, और अब वो भी यहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ उस पोर्टल में चले गए थे और अब यहाँ पर नायली और लू अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर की तरह बढ़ते हैं। वैसे अब यहाँ पर वो उनके ग्रुप का तीसरा लड़का भी आ चुका था। तो अब अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के पास आने के बाद अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर कहते हैं कि फेदर गॉड सेक्ट तक अब तुम्हें शियाओ लेकर जाएगा, क्योंकि मुझे यहीं रुककर इस जगह को गार्ड करना होगा। अब नायली मन में सोचता है कि अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर यहाँ रुककर इस जगह को गार्ड करना चाहते हैं और मेरे हिसाब से 2 साल बाद यहाँ पर बहुत खतरनाक अटैक होने वाला है। मगर अब नायली को ये नहीं पता था कि ये अटैक करने वाला है कौन, तो बस ये सोच रहा था कि डिमन लॉर्ड तो अभी अपने ग्रुप के साथ गया है और वैसे भी 2 साल में तो वो वापस आ भी नहीं सकता, क्योंकि इस ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगने वाला है। तो आखिर अब कौन सा गया अटैक करने वाला है। साथ ही नायली मन में ये भी कहता है कि 2 साल बाद अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर मारे जाएंगे, तो आखिर ऐसा कौन होगा जिसके पास इतनी पावर हो कि अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर को मार सके। वैसे इसके बाद अब नायली उन्हें गिफ्ट देता है और कहता है कि प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो अब अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर भी वो गिफ्ट ले लेते हैं और फिर अब शियाओ उन सभी से चलने को कहता है, जिसके बाद वो चारों वहां से निकल पड़ते हैं। अब अगले सीन में हम आ चुके थे फेदर गॉड सेक्ट में। वैसे ये जगह देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते शियाओ ने बताता है कि हमारा फेदर गॉड सेक्ट 6 डिवाइन सेक्ट में से एक है और हमारे फेदर गॉड सेक्ट के अंदर कई सारी सिटीज हैं जिनका ख्याल फेदर गॉड सेक्ट ही रखते हैं,
और साथ ही यहाँ पर आउटर सेक्ट में ही कई मिलियंस डेसिबल्स हैं, मतलब कि कई मिलियंस डेसिबल्स हैं। अब आउटर सेक्ट का नाम सुनकर नाइली शियाओ से पूछता है कि आखिर ये होता क्या है, जिस पर शियाओ बताता है कि दरअसल फेदर गॉड सेक्ट अलग अलग सेक्ट में बटा हुआ है, जिसमें से एक आउटर सेक्ट है और दूसरा इनर सेक्ट है। इसके बाद अब शियाओ कहता है कि आउटर डेसिबल बन पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल लोग ही जा पाते हैं और इनर डेसिबल बनना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए अभी वहाँ का ख्याल ही छोड़ दो और इनर डेसिबल पर सिर्फ वही लोग पहुँच पाते हैं जिनके पास लीजेंडरी पावर्स हो। अब इसके बाद लू आगे आता है और शियाओ से पूछता है कि क्या हम भी अभी आउटर सेक्ट के पास जा रहे हैं, जिस पर शियाओ कहता है कि नहीं, पहले हमें हेवनली मैजिक एकेडमी में जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट फैसला करेगा कि तुम्हें वहाँ पर एडमिशन मिलेगा कि नहीं। इस पर वो तीसरा लड़का कहता है कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, क्योंकि कोई सा भी टेस्ट क्यों ना हो, मैं तो उसे बहुत आसानी से पार कर लूंगा। अब ये सुनकर शियाओ उसे कहता है कि कॉन्फिडेंट ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत करना, क्योंकि ये तुम्हें बाद में तकलीफ दे सकता है। मगर अब वो लड़का कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बल्कि मुझे भरोसा है मेरी ताकत पर कि जब तक वो मेरे पास है तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद अब नाइली इस तरफ देखता है, वैसे वो असल में ये सब नाइली को ही कह रहा था, मगर अब नाइली उसकी बात सुनकर मन में सोचता है कि ये लड़का मुझे अपना ओपोनेंट समझ रहा है, लेकिन ये गलत समझ रहा है कि मैं इसका ओपोनेंट नहीं हूँ। मेरे तो सिर्फ दो ही ओपोनेंट है, एक डिमन लॉर्ड और दूसरा होली एम्पायर। मगर अब ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।